स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल का मीनिंग होता है हमको मेटल कहाँ से मिलते हैं, हाउ टू गेट मेटल्स। ठीक है, हम मेटल कहाँ से मिलते हैं। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हमको मिनरल्स से मिलते हैं। हमारी अर्थ पे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। मिनरल क्या होते हैं? मिनरल कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो कि अर्थ में हमको नेचुरली मिलते हैं वो होते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो जनरली मिनरल हमको किसी एलिमेंट या कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, है ना। अब मिनरल के बाद हम नेक्स्ट, हम मेरा पॉइंट है और। अब और क्या होता है? अब देखिए, अब मिनरल तो कोई भी हो सकता है, जैसे एक पत्थर है उसको भी हम मिनरल बोलेंगे। उस मिनरल के अंदर क्या होता है? मेटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कुछ मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट होते हैं और किसी में नहीं भी होते हैं। और क्या होते हैं? दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। मीन्स ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल को प्रॉफिटेबली निकाला जा सके, ऐसे मिनरल्स को हम बोलते हैं और। ठीक है ना, समझ में आ गया? मैंने बोला मिनरल्स, मिनरल्स जो होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में हमको नेचर में मिलते हैं। अब ऐसे मिनरल्स जिसमें से प्रॉफिटेबली मेटल्स को निकाला जा सके उनको हम बोलते हैं और। ठीक है, के एग्जाम्पल है बॉक्साइट, हेमेटाइट, सिनेबार। अब बॉक्साइट, हेमेटाइट, सिनेबार क्या है? देखो, हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा है, एल्यूमिनियम पढ़ा है, जिंक पढ़ा है, आयरन पढ़ा है। तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर है, Al2O3। हेमेटाइट क्या है? आयरन का ओर है, Fe2O3। ठीक है, और सिनेबार क्या है? मर्क्यूरी का ओर है, HgS। ठीक है, अब यहाँ मैंने नोट लिखा है ऑल द ओर आर मिनरल बट ऑल द मिनरल आर नॉट ओर। अब नेक्स्ट है गैंग। अब भाई और तो हमको मिल गया, अब इस और के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, और जो निकला है वो हमको प्योर स्टेट में नहीं मिलता, उसके अंदर हमको कुछ सैंड पार्टिकल्स होंगे, कुछ सॉइल होगी, कुछ रॉकी मटेरियल्स होते हैं। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग। तो हम लिखेंगे द इम्प्योरिटीज़ ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल प्रेजेंट इन द और इज कॉल्ड द गैंग। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इनरिचमेंट ऑफ और। इनरिचमेंट ऑफ और क्या कहलाता है? अब गैंग, अब और के अंदर से गैंग पार्टिकल्स को हटाना, ठीक है, वो होता है इनरिचमेंट ऑफ और। तो हम लिखेंगे द रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम द और इज कॉल्ड इनरिचमेंट ऑफ और एंड मेक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। फिर हम रॉकी मटेरियल और गैंग पार्टिकल्स को हटाएंगे और क्या बना देते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। क्लियर। तो ये भी आपको समझ में आ गया, इनरिचमेंट ऑफ ओर मीन्स गैंग पार्टिकल्स को ओर से एक्सट्रैक्ट करना। अब नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मेटल का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम समझेंगे। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है वो मेटल की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अब देखो, हमने अभी जब मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी तब हमने देखा था कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने बताई थी कि जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कुछ मेटल जो होते हैं बहुत रिएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो ये बहुत रिएक्टिव मेटल है। और कुछ होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और कुछ होते हैं लो रिएक्टिव मेटल। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, आपको इस चार्ट को याद रखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से इस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को समझ पाएंगे। देखो, इस चार्ट में मैंने लिखा है और। ठीक है, और निकाल लिया हम, और क्या है? मैंने वहाँ पे लिखा ही है ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम मेटल को प्रॉफिटेबली निकाल सके वो होते हैं और। और के बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, मतलब सारी इम्प्योरिटीज जो निकालते हैं। ठीक है, अब फिर आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे। तो रिएक्टिव मेटल की रिएक्टिविटी के आधार पे हमने इसको तीन पार्ट में बांटा है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, तो
मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, आपको पता है कौन कौन से हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आपने रिएक्टिविटी सीरीज भी देखी, इसमें सबसे आगे कौन से आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये जो मेटल होते हैं बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हमको नेचर में ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है सोडियम पानी के साथ, सोडियम ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसीलिए ये सब हमको फ्री स्टेट में नहीं मिलते, किसी न किसी कंपाउंड फॉर्म में हमको मिलेंगे। ओके, फिर मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी भी आपको पता है, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, मैग्नीज है, ये सब मीडियम रिएक्टिविटी, मतलब इनकी रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सोडियम पोटेशियम की तुलना में थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो इनको भी, इनको किस तरह से एक्ट्रेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसका भी हम तरीका समझेंगे। इसी तरह से मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, जैसे इसमें आ गया सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये होते हैं कम रिएक्टिव मेटल। तो ये हमको कभी कभी फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये फ्री स्टेट में भी हमको मिलते हैं। और जैसे मर्क्यूरी है, तो ये सल्फाइड फॉर्म में हमको नेचर में मिलता है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, कि हाई रिएक्टिव मेटल किस तरह से मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल, अब देखिए, दिस मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब ये जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है सोडियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम क्या है, एक हाई रिएक्टिव मेटल है, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज होता है। एंड सोडियम मैग्नीशियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है क्या है वो हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम में हमने दो, यहाँ पे इस डायग्राम में ये एक सॉल्यूशन है NaCl का मोल्टेन सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन सॉल्यूशन हमने ले लिया है। अब इस सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक होता है पॉजिटिव एनोड, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और दूसरा है हमारे पास कैथोड, ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से ज्वाइन किया जाता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया जाता है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो अब देखिए एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, क्लोराइड आयन्स जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये क्या करेंगे, ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, Cl2। ओके, तो यहाँ एनोड पे क्या मिल जाती है हमको, क्लोरीन गैस। ठीक है, और इसी तरह से कैथोड जो है वो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। सोडियम आयन्स क्या करेंगे, वो किधर अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, करेंगे यहाँ आने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना देंगे, सोडियम बना देंगे। ठीक है, सोडियम मेटल बना लेता है, तो ये सोडियम मेटल कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से इनको कैथोड और एनोड के जरिए हम एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो एट एनोड क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से एनोड सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और क्या बना रहा है, सोडियम मेटल बना रहा है, यहाँ पे क्लोरीन गैस बन गई। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड के मोल्टन स्टेज से हम सोडियम और मैग्नीशियम को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम सेकंड मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, देखिए मीडियम रिएक्टिविटी में आते हैं जिंक है, आयरन है, लेड है, मैग्नीज है। ठीक है, अब इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम, अब देखिए इसमें मैंने चार्ट में लिखा है कार्बोनेट और सल्फाइड, और ये जो मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं वो हमको कार्बोनेट फॉर्म में या फिर सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट और या सल्फाइड मिलेंगे, जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया और जिंक सल्फाइड है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमको मिलता है, लेड सल्फाइड है। ठीक है, अब जो हमको ये मिल गए कार्बोनेट फॉर्म में और सल्फाइड फॉर्म में, अब जो कार्बोनेट फॉर्म में और मिले हैं उनको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और सल्फाइड और को की रोस्टिंग की है। तो पहले हम समझते हैं कैल्सिनेशन क्या है और रोस्टिंग क्या है। ठीक, द मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड। अब
हमको जो मिडिल एक्टिविटी वाले जो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल है वो हमको किस फॉर्म में मिले, सल्फाइड ओर के रूप में या कार्बोनेट ओर के रूप में मिले। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में, इनका क्या बनाएंगे हम, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अब देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम मेथड पढ़ते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर इंटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रोंगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप देखो जिंक सल्फाइड, जिंक हमको सल्फाइड के फॉर्म में मिला है। अब इसको क्या करते हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमको मिल जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगर हमने, अब ये ध्यान रखना आप, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या फ़र्क है, देखिए अब रोस्टिंग जब हम करते हैं तो जिंक सल्फाइड को स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे हमको ये ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिंक ऑक्साइड मिलेगा और हाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। इसी तरह से आप कैल्सिनेशन प्रोसेस है, कैल्सिनेशन किसका करते हैं, जो कार्बोनेट ओर है। ठीक है, जो कार्बोनेट ओर होते हैं उनका हम कैल्सिनेशन करते हैं। तो देखिए इसमें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर इंटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड और एब्सेंस ऑफ एयर। अब देखिए इसमें भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, इन लिमिटेड और एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें या तो बहुत लिमिटेड एयर का यूज़ होता है या फिर एयर की एब्सेंस में इनको हीट दी जाती है। अब जैसे जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक कार्बोनेट ओर को स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं किसकी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर लिमिटेड एयर में। तो हमको मिल जाता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो हमको मिल गया, रोस्टिंग में भी हमने ऑक्साइड बनाया और कैल्सिनेशन में भी ऑक्साइड बनाया, लेकिन रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं, और कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर को ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लिमिटेड एयर में हम उसको हीट देते हैं और जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक प्रोसेस हमको समझ में आ गया कि किस तरह से हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग समझा। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या फ़र्क है, इसमें हम लिमिटेड एयर, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, अब देखिए कैल्सिनेशन रोस्टिंग के करी तो हमको क्या मिल गया, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गए। ठीक है, इनके ऑक्साइड मिल गए, जिंक ऑक्साइड मिल गया हमको। अब उसके बाद प्रोसेस आता है रिडक्शन टू मेटल। हमको जिंक ऑक्साइड मिल गया है, मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन और एल्यूमिनियम। अब इस जिंक ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं किसके द्वारा, रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो अगर जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन क्या करता है, जिंक को अलग कर देगा, मतलब जिंक को डिस्प्लेस कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। और इसी तरह से मैंगनीज डाइऑक्साइड को अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एल्यूमिनियम भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और ये ध्यान रखना एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी मैंगनीज से ज़्यादा होती है, इसलिए एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, मैंगनीज को रिड्यूस कर दिया, तो हमको ये मैंगनीज मेटल मिल गया और उसने बना दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, L2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। अब इस रिएक्शन में हीट जनरेट होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होती है, हीट जनरेट होती है, इसलिए इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। और इन थर्मिट रिएक्शन का यूज़ जनरली रेलवे ट्रैक को जोड़ने में काम आता है। अब जैसे रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, यहाँ पे हमने मैंगनीज ऑक्साइड का यूज़ किया तो उसकी जगह हम आयरन ऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, Fe2O3 का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको आयरन मिल जाता है और वहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये आयरन और आयरन दोनों जोड़ के हीट, इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो ये क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को आपस में जोड़ते हैं, तो इसको थर्मिट रिएक्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको मेटल मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल मिलने के बाद उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको फिर से रिफाइन किया जाता है, तो इस ये वाला जो टर्म है प्यूरिफिकेशन को, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट लो रिएक्टिव मेटल्स। जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जनरली वो हमको फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड, वो हमको फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। लेकिन जैसे मरकरी है, मरकरी जो है हमको सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, तो ठीक है, इसका जो ओर है उसको हम बोलते हैं सिनेबर, ये सल्फाइड फॉर्म में हमको मिलता है। अब ये क्या लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए इनकी भी हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मतलब वही गर्म करते हैं, तो
रोस्टिंग करने के बाद हमको मेटल मिल जाता है, मतलब इसको हम गर्म करते जाते हैं तो हमको मेटल मिल जाता है। तो अब हम एक बार देखते हैं किस तरह से करते हैं एक्सट्रैक्ट मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब इसमें है हीटिंग द मेटल अलोन एज द मेटल आर अनरिएक्टिव। अब मैंने ये बताया कि ये लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए हम उनको हीट दे के मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है मरकरी सल्फाइड, ठीक है, क्या है ये मर्क्यूरी सल्फाइड, इस सिनेबार इसका ओर है, इसको इसके ओर को हम बोलते हैं सिनेबार। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट के साथ गर्म करते हैं तो हमको मिल जाता है मर्क्यूरी ऑक्साइड, ठीक है, ये किसमें चेंज हो जाता है ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अब हमको मिल गया ऑक्साइड मर्क्यूरी ऑक्साइड, अब इस मर्करी ऑक्साइड को फिर से हीट देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लो रिएक्टिव मेटल होते हैं तो इसको फर्दर रिडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने इधर पढ़ा था किसमें मीडियम रिएक्टिविटी में हमने ऑक्साइड जब मिला, हमने मेटल का जो ऑक्साइड मिला उसका रिडक्शन किया था, किसके साथ किया था, या तो कार्बन के साथ रिड्यूस करवाया या फिर एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस करवाया, लेकिन यहाँ पर हमको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये लो रिएक्टिव मेटल है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको फिर से हीट देते हैं तो हमको ये मर्करी लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये हमको मेटल मिल गया, मर्करी मेटल मिल गया। अब इसी तरह से अब कॉपर है, कॉपर भी एक लो रिएक्टिव मेटल है, तो कॉपर इज ऑप्टेन फ्रॉम कॉपर सल्फाइड बाय हीटिंग इन एयर, तब ये भी हमको सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, तो ये हो गया कॉपर सल्फाइड। इसको भी हम स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, और फिर से इसकी रिएक्शन जो बचे हुए कॉपर सल्फाइड से कराई जाती है। तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड फिर से रिएक्ट करते हैं तो हमको कॉपर मिल जाता है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है वो रोस्टिंग के थ्रू हम इजीली उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर अब आता है नेक्स्ट, यहाँ हमको मेटल मिल गया, फिर की जाती है उसकी रिफाइनिंग। अब फिर से जो इम्प्योरिटीज होगी इसके अंदर तो उसको रिफाइनिंग के द्वारा प्योर मेटल मिलता है। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं रिफाइनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब हमने पूरा प्रोसेस देख लिया कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमको मेटल मिलता है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, अब उन इम्प्योरिटीज़ को किस तरह से हम फर्दर रिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। देखिए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे की जाती है वो हम देखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम रिफाइनिंग कर रहे हैं कॉपर की, ठीक है। अब देखो जब हमने मेटल लो रिएक्टिव मेटल्स पढ़े थे तो उसमें लो रिएक्टिव मेटल में एक कॉपर भी है, तो कॉपर को तो हमने रोस्टिंग के थ्रू मेटल हमको मिल गया। अब इस मेटल में कुछ इम्प्योरिटी थी जिसको हम रिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं। तो इस कॉपर की रिफाइनिंग जब करी जाती है तो देखिए मैंने एक यहाँ डायग्राम बनाया। अब इसमें लिया है हमने कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन, अभी हम यहाँ पे कॉपर की कर रहे हैं, लेकिन जिस भी मेटल की हम यहाँ रिफाइनिंग करेंगे तो वहाँ पे उस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ कॉपर की कर रहे हैं इसलिए हमने लिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड है, कौन कौन से, एक है कैथोड इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं एनोड। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में हमने दो इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। और क्या करते हैं, जो कैथोड उसके ऊपर हम लगा देते हैं कॉपर, जो प्योर कॉपर है उसकी एक पतली सी छड़, ठीक है, उसके ऊपर एक पतला सा कॉपर का मेटल लगा देते हैं, ठीक है, कॉपर मेटल को लगा देते हैं। और जो एनोड है, जो इम्प्योर मेटल हमको मिला है वो हम लगा देते हैं एनोड के ऊपर, ठीक है, एनोड के ऊपर टांग देते हैं। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तब क्या होता है, देखो अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अब यहाँ पे देखेंगे। व्हेन करंट इज पास प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, अब जिसके जिस तरह जैसे इसमें करंट पास होता है तो इसमें क्या है इम्प्योर मेटल, इस इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल निकल के कहाँ आ जाता है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिल जाता है। और जितना इम्प्योर मेटल इस कॉपर सल्फेट में मिलता है तो कॉपर सल्फ और उतना ही क्वांटिटी का सॉल्यूशन उतना ही क्वांटिटी का कॉपर आके किस पे जमा हो जाता है, कैथोड पे जमा हो जाता है, ठीक है।
देखिए इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है, जितना का जितना मेटल मेटल इसमें डिजोल्व होता उतना का उतना मेटल वापस कहाँ पे चला जाता है, कैथोड के ऊपर जम जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज फ्रॉम एनोड फॉल डाउन एंड कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ टैंक एज एनोड मड। अब जो इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, तो ये प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है, ठीक है। इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलता रहता है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी बनता रहता है और इसमें से कॉपर भी निकल के कहाँ जमता रहता है, कैथोड पे। तो धीरे धीरे ये पूरा इम्प्योर मेटल प्योर होता होता कहाँ आ जाता है, या कैथोड पे आके जम जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। और जो इम्प्योरिटीज होती है वो कहाँ चली जाती है, इस कॉपर सल्फेट के टैंक के नीचे जाके जम जाती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या हो जाता है, इस तरह से हमको प्योर मेटल कहाँ मिल जाता है, कैथोड के ऊपर मिल जाता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब एक बार मैं आपको चार्ट समझा देती हूँ, पूरा कंक्लूजन देखिए। देखो सबसे पहले हमने और पढ़ा था, ठीक है, जी और क्या होते हैं, वे मिनरल्स होते हैं जिन ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल को प्रॉफिटेबली निकालते हैं, वो होते हैं और। फिर हमने और को कंसंट्रेशन ऑफ और का कंसंट्रेशन किया था, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज गैंग पार्टिकल सारे निकाल के और को कंसंट्रेशन किया। फिर अब उसके बाद इस मेटल की अलग अलग रिएक्टिव के आधार पे उनको एक्सट्रैक्ट किया। कैसे एक्सट्रैक्ट किया, जैसे मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल मिडिल एंड लो, तीन पार्ट में बांटा। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया गया और प्योर मेटल मिल गया। और इसी तरह से मीडियम रिएक्टिव मेटल है उन वो हमको किस फॉर्म में मिलते हैं, वो मिलते हैं हमको कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर के फॉर्म में। और जो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मिलते हैं उनको हमने फिर कैल्सिनेशन किया और सल्फाइड ओर के रूप में मिले, उनकी रोस्टिंग की। तो इससे हमको मिल गया मेटल का मेटल ऑक्साइड फॉर्म में मिल गया। जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म में मिला उनको हमने फिर से रिडक्शन किया, उसके बाद हमने प्योरिफिकेशन किया। इसी तरह से जो लो रिएक्टिव मेटल है वो हमको या तो फ्री स्टेट में मिलेंगे या फिर सल्फाइड के रूप में मिलेंगे, और फिर से इनकी रोस्टिंग की। रोस्टिंग के बाद हमको प्योर मेटल मिला, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा इसकी रिफाइनिंग कर दी। ओके, तो इस तरह से आप इस चार्ट के थ्रू इजीली समझ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।